बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे खाने को देर हो चुकी है, तो क्योंकि आज बच्चे थोड़ा लेट उठे थे तो घर का काम करते करते उनको नाश्ता देते देते तो दोपहर के खाने में हमें आज थोड़ी देर हो गई है। तकरीबन 4 बज चुके हैं और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चले जो मैं रेसिपी बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ झटपट बनने वाले शलजम चिकन, ठीक है। शलजम गोश्त से शलजम चिकन, हम चिकन डाल रहे हैं, मैं इसमें झटपट बनने वाली है। ये समझ लें कि जिन खवातीन को आप आजकल तो हर कोई जल्दी में होता है, आपको पता है, लेकिन ये है कि आप समझ लें कि जिन खवातीन को ज़्यादा मतलब जल्दी होती है खाने की, देर हो जाए तो वो झटपट इसको बना सकती हैं। शलजम ली थी मैंने 1 kg, उनको मैंने काट के रख लिया था। ये कटिंग वगैरह मैंने सुबह इनकी कर ली थी, मतलब जब नाश्ता किया उसके बाद ही, लेकिन मुझे पकाने का टाइम नहीं मिला, मैं अभी फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा जल्दी से हांडी बना लें ताकि बच्चे फिर भी थोड़ी देर में खाना मांगना शुरू कर देंगे, उन्होंने नाश्ता लेट किया था। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो 1 kg मैंने शलजम ले ली, इसको धो के काट के रख लिया। जैसे कि आपको पता है ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है, आज की हांडी झटपट है तो प्रेशर कुकर में बनेगी। प्रेशर कुकर में मैंने इसको धो के तो इसमें 1/2 कप ऑयल डाल लिया है, 1/2 कप ऑयल लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर आ जाए, अब 2 अदद प्याज लिया है मैंने, 3 अदद टमाटर है, छोटे टमाटर से 3 अदद है, अगर बड़े वाले हैं तो 2 ले लें आप। अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 स्पून, 1 स्पून 1.5 स्पून जितना होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों को मैंने इकट्ठा क्रश कर दिया था। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे, और ये सारी चीज़ें एक साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी प्रेशर कुकर में, सारी चीज़ें, ठीक है, 1 by 1 इसी तरह सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें, क्योंकि झटपट हांडी बन रही है। तो ये भी करेंगे कि प्याज को अलग से फ्राई करेंगे, लहसुन को अलग से करेंगे, सारा कुछ इस तरह नहीं होगा, सारा एक ही साथ जाएगा, नमक मिर्च सारा कुछ। और इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी जाएगा, और इसको मैं प्रेशर को 10 मिनट के लिए चलाऊंगी मसाला गलाने के लिए, ठीक है। ये सारा इसके अंदर गया, अब ये देखें स्पाइसेस की तरफ आते हैं। तो स्पाइसेस मैंने 1 स्पून नमक लिया है, 1 स्पून दोनों मिला के 1/2 ना दादर मिर्चा और पिसी हुई मिर्चा, ठीक है। ये मेरे पास हल्दी 1/2 स्पून, ज़ीरा है 1/2 स्पून, और 1 स्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, ठीक हो गया। और ये सारी चीज़ें भी इसमें जाएंगी, ठीक है, सारा कुछ डाल लिया। अब 1 गिलास इसमें पानी जाएगा, ये देखें 1 गिलास जितना मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। और अब हम अपने प्रेशर को बंद करके इसको स्टीम देंगे ताकि जितने मसाले चाहे इसमें डाले हुए हैं ऐड किए हों, सारे मसाले गल जाएं अच्छे तरीके से, अलग से हमें मेहनत ना करनी पड़े। जी फ्रेंड्स, ये देखें 8 मिनट मैंने बस इसको चलाया है प्रेशर को, और मैंने इसकी स्टीम निकाल के इसको खोल लिया, और ये देखें माशाल्लाह से मसाला भुन गया और पानी भी सूख गया, घी अलग हो गया, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी कि अलग अलग से मसाले भुनो, ये करो वो करो, टाइम भी बच गया हमारा, और ये सारा मसाला गल भी गया है। अब हम इसमें अपनी चिकन डालेंगे। चिकन मैंने इस तरह ली है, 1/2 kg ली है मैं चिकन मैंने, लेकिन मैंने बोनलेस ली है। बोनलेस मैंने इसलिए लिया है कि मतलब ये जब हम शलजम गोश्त बनाते हैं तो ये जब चिकन में मतलब इसको मैश करते हैं साथ में चिकन को, तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। बोनलेस तो मंगवाती हूँ चिकन, जब भी मैंने शलजम बनानी हो तो मैं इसके लिए बोनलेस चिकन ही मंगवाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने छोटी छोटी बोटियाँ मंगवा ली थी। जब हम चावल खाना स्टार्ट करते हैं स्पून के साथ या हाथों से तो बड़ा टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, जब ये शलजम के साथ मिक्स हो जाती हैं, बिल्कुल मैश हो जाती है जैसे शलजम मैश हुए होते हैं, तो मुझे ये अच्छी लगती है। मैंने कभी इसमें या फिर वो मतलब हड्डी वाली चिकन डालने की कोशिश नहीं की, अगर ना हो तो फिर मैं डाल देती हूँ, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, यही है अगर ना हो फिर फर्ज नहीं मिलती। समटाइम ऐसा होता है कि फ्रिज में कुछ पड़ा हो, पहले वाला चिकन पड़ा हो या ना मिले मुझे बोनलेस, तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि बोनलेस चिकन ही मुझे मिले और बोनलेस की ही मैं शलजम बनाऊँ, ठीक है, बोनलेस के साथ ही। तो ये मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, और भून के तो मुझे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि चिकन को निकालना पड़ेगा, और मतलब 2-3 मिनट के लिए बस भूनना है, मैंने ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, इसलिए भूनना है ताकि जो मसाले हैं वो सारे चिकन में मिक्सअप हो जाएँ, ठीक है। और ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको निकाल के अलग से रखूँ और फिर इसमें मैं शलजम डालूँ, शलजम को अलग से चलाऊँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चिकन के साथ ही मैं शलजम डाल रही हूँ, यही तो अच्छी रेसिपी है मज़े की। सारा कुछ इकट्ठा डाला और बस तैयार हो गया जल्दी से, चिकन बिल्कुल मैश हो जाएगी जैसे शलजम मैश होता है, और बड़ा टेस्ट देगी चावलों में जब मुँह में आएगी तो बड़ा टेस्ट देती है ये, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करके तो ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। जी फ्रेंड्स, ये देखिए चिकन को डाले हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें शलजम डाल रही हूँ। शलजम के पूरे मैंने बारीक बारीक पीस किए हुए थे, ये देखें 1 kg शलजम था, 1/2 किलो चिकन है मेरे पास, ठीक है। इसमें ये डाल के 3 मिनट मैंने चिकन भूनी है, 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी,
और पानी मैंने पहले ही एक गिलास डाला था जब मैंने मसाले को गलाना था, उसके बाद मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला। ठीक है, ये देखिए ये सारे डाल के 2 मिनट के लिए मैं इसको भून रही हूँ। 2 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1 कप जितना, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आजकल 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। ठीक है, आजकल मौसम नहीं है शलजम का इतना खास, सर्दियों में शलजम सही आते हैं, तो इसलिए पता नहीं है थोड़े बेमज़ा ना हो या कड़ांगे जिसको बोलते हैं या थोड़े होते हैं ना कसैले से वैसे ना हो, इसलिए मैं 1 स्पून इसमें शुगर ऐड करूँगी। 30 स्पून आया कि मेरे पास, इसके साथ मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। वो इसलिए किया है कि अगर ये थोड़ा सा हो कसैला सा या इसका थोड़ा सा जायका ना हो, बेमौसमी चीज़ का आपको पता है जायका उसी तरह का होता है, तो फिर ये थोड़ी सी मिठास हो जाएगी उसमें। ठीक है, वैसे काटने में तो बड़े अच्छे थे शलजम, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें 1 कप जितना, और इसको मैं बंद कर दूँगी प्रेशर को। जी फ्रेंड्स, ये देखें 1 कप में पानी डाल रही हूँ इसमें, 1 कप पानी डाल के आप देख लें। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं, मुझे इनफ लग रहा है तो मैं इसमें और नहीं डालूंगी। और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको बंद कर रही हूँ। पहले मैंने जब स्टीम दी थी तो मसाले को 8 मिनट के लिए दी थी, अब मैं 5 मिनट के लिए स्टीम दे रही हूँ इसके बाद। जी फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए तो स्टीम दिए हुए, तो मैंने प्रेशर कुकर की सीटी निकाली, स्टीम उसको खोली थोड़ी सी, और अब मैंने प्रेशर खोला है। और ये देखें शलजम हमारे गल चुके हैं, चिकन तो पहले ही हमारा तकरीबन गल चुका था क्योंकि वो बोनलेस था। अब ये जो पानी है ये मैंने इसमें से सुखाना है, कुछ शलजम से अपना पानी छोड़ा है, 1 कप मैंने डाला हुआ था, तो अब हम इसको साथ साथ मैश करते जाएंगे और साथ साथ पानी सुखाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैं करूँगी हल्के हाथों से, ताकि जो शलजम है सारी मैंने मैश करनी है, शोरबे वाली मैंने नहीं रखनी। ठीक है, मसाले वाली बनानी है, कुछ लोग इस तरह खाते हैं। ठीक है, शोरबे वाली और इस तरह, लेकिन वो शलजम गोश्त और होता है, मोटा मोटा होता है, वो मैं अलग से आपको इसकी रेसिपी दूंगी। ये मैंने और तरीके का बनाया है मसाले वाला, ये मैं आपको अलग से बनाऊंगी। मैं सारा मैश कर रही हूँ, ठीक है, साथ साथ आपको दिखाते जा रहे हैं। जी जनाब, तो लीजिए पानी सूख गया, शलजम हमारी मैश हो गई। ये देखें ऑयल छोड़ रहा है वो शलजम हमारा, ये देखिए शलजम मैश हो गई, जो चिकन थी वो भी इसमें मैश हो गई। ये देखिए इस तरह चिकन के थोड़े थोड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं अभी इसमें, शलजम मैंने बिल्कुल मैश कर दिया। ये जो नज़र आ रहा है आपको थोड़े थोड़े पीसेस, ये सारे चिकन के हैं। ठीक है, और अब जब आप इसको चावलों के साथ खाएंगे इस तरीके से बना के, तो बड़ा टेस्ट देगी। ये देखें ये, ठीक है, ये सारा चिकन है, तो चिकन को मैंने इसमें साथ ही मैश कर लिया है और बड़ा ही अच्छा टेस्ट है। थोड़ी सी सूखी मेथी मैं ले रही हूँ, ये इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी, हाथों से मैंने मैश कर दी थी। थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे, धनिया को मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से काट के। और हमारा शलजम चिकन बिल्कुल रेडी है, आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जब चिकन को जिसको मैंने मैश किया है ना, जब ये चावलों के साथ आप खाएंगे ना, तो स्टू यमी, ये बहुत टेस्ट देता है अच्छा सा। ठीक है, तो आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और ये मज़ेदार रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।